जिनकी स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है उनकी पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ। जो हमसे उम्र में बड़े हैं इनको सादर प्रणाम करता हूँ। जो हमारी उम्र के हैं इनको लव यू कहता हूँ। और संचालक की ऐसी तैसी तालियां बजाओ। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अभी नेताओं की बात कर रहे थे, नेताओं के लिए क्या कहा जाए? नेता जूता कुत्ता, ये पहले चरण चाटते हैं बाद में काटते। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू भैया। चौबे दादा को प्रणाम करता हूँ। संकट मोचन हनुमान जी की पावन उपस्थिति में कार्यक्रम हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्तों का स्थान बहुत आगे रखा। राम के लिए उन्होंने प्रभु शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी के लिए महाप्रभु का प्रयोग किया। वेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। और राम के लिए प्रभु की कृपा भयो सबका जू। हनुमान जी की बात अभी वो सासी की जब भैंस खो गई थी ते 5-7 दिन भैंस ढूंढते रहे, नहीं मिली तो भगवान के मंदिर लड्डू चढ़ाने जा रहे थे। बीच में हनुमान जी चबूतरे में बैठे थे। हनुमान जी ने देखा देसी घी के लड्डू चले जा रहे हैं। हनुमान जी ने साहसी को बुलाया, कहा जा रहे हो? कहीं हमारी भैंस खो गई, भगवान के मंदिर जा रहा है। हनुमान जी ने कहा लड्डू इधर लाओ, जो अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाए तुम्हारी भैंस कहाँ ढूंढेंगे। हाँ, तो ऐसे साहसी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब बीच बीच में हमारे संचालक अनिश चौबे जी बार बार कोरोना की बात कर रहे गुरु। अब बहुत अच्छे कथावाचक भी। एक बार ये कथा कह रहे थे तो बढ़िया इन्होंने कथा कही। एक सेठ जी आ जाते थे रोज कथा सुनने, तो इन्होंने सेठ जी से कहा देखो कल कथा का समापन है और बहुत अच्छे आप श्रोता हो, आपको हमारी कथा में कौन प्रसंग अच्छा लगा? तो सेठ जी ने कहा एक एक प्रसंग अच्छा लगा। जब भगवान कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन कहता न सुचाग्रे ददाम केशो, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। और महाराज आप 7 नहीं 70 दिन कथा कहो, 1 रुपया नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे भाई। अब ये हमसे पूछ रहे थे अनिल चौबे जी कि मैं कैसा लग रहा हूँ? हम कहा गुरु ऐसे लग रहे हो जैसे बताशन चींटा घुस गया। बहुत अच्छी कविताएं हो रही थी, क्योंकि हास्य व्यंग के लिए जाना जाता हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा खोपड़ी नहीं खाऊंगा, बिल्कुल 60 मिनट जाता हूँ। क्योंकि मिर्जापुर के श्रोता बहुत ज्यादा लंबी लंबी फेंकने वालों को नहीं सुनते। जैसे एक आदमी ने कहा मेरे पिताजी नाले में कूदते थे तो नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे हिंद महासागर से निकलते थे। हमारे चौबे जी ने कहा इतने मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे टोटी से निकलते थे। तो जोरदार तालियां हो जाए बिल्कुल 60 मिनट आते थे। बहुत ज्यादा देर तक खोपड़ी नहीं खाएंगे। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का बनारस का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ? एग्जामिनर ने कहा शब्द कम करो। एक लड़का जौनपुर का आया, उसने कहा मैं आई कमिंग सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा। लेकिन एक लड़का यही मिर्जापुर का था, उसने कहा घुसी, तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं शुरू करता हूँ। हाँ, थोड़ा बड़ी लंबी टीम है। अभी इस मंच पे 2 नरकंकाल है, एक हम है, एक उधर कोने में बैठे हुए हैं। हाँ, इनको किन्नर कंकाल समझ सकते हो। हाँ, बार बार यही करते हैं। तालियां हो जाए तो मैं शुरू करता हूँ भाई। बहुत अच्छी कविताएं आप लोग सुन रहे हैं। बहुत 60 मिनट जाता हूँ। बहुत जब रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी बोली जान मिर्जापुर जा रहा हूँ। हम कहा जान क्यों बोलती हूँ? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा है, तो थोड़ा 60 में कह रहे हैं। हम कहा रानी समझा कहा करो, हमारी बेइज्जती खराब होती। तो कहीं रानी को कह रहे हो? हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। तो बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा लंबा लंबा कहने फेंकने की आवश्यकता नहीं है। एक कविता में पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और सुनाऊंगा। अभी भाई कई लोग देश की बात कर रहे थे, बीच बीच में हमारे कवि भी कहते, बीच बीच में हमारे संचालक कोरोना की बात कर रहे थे। गुरु मैं कोरोना को संदर्भित करके 4 पंक्तियां संचालक जी के चरणों में चढ़ा रहा हूं कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए और हम इनकी बीवी को गले लगा लें भले हमको कोरोना हो जाए।
हाँ बैठ जाओ, देखो हमारे अभी चेयरमैन साहब बैठे हुए, देखो हम चीज बता दें, देश का तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं, देश मोदी जी चला रहे, योगी जी चला रहे, नरकंकाल खुद जिंदा है, और चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाइना वालों से हमने कहा कि तुम्हारे पास है क्या, सिर्फ एक चाइना वाल, भैया इसका इको खत्म कर दो, इको बिल्कुल जीरो कर दो। ऐसा लगता हम बोल रहे हैं, हमारे बाप भी बोल रहे हैं। तो मैंने चाइना से कहा कि तुम्हारे पास है क्या, सिर्फ एक चाइना वाल, और हमारे देश में जायसवाल, अग्रवाल, मोदन वाल, और सबका बाप केजरीवाल, तो जहां इतने वाल हो तुम क्या कर सकते। देश के लिए कविता लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, हम तो ऐसे देश के लिए अपनी हड्डियां दान कर चुके, हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएंगे। अब ये थोड़े कि पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे, लाहौर में झंडा गाड़ देंगे, हम कहा लाहौर में झंडा का गाड़ दोगे, भैंस का खूंटा पहले गाड़ो। तो ये सब कहने की जरूरत नहीं, हमारा देश तो ऐसे महान। एक अभी पिछले कार्यक्रम गया था तो एक आदमी हट्टा कट्टा भीख मांग रहा था, हमने कहा कैसे भारतीय जो भीख मांग रहे हो, वो बोला मैं भारतीय हूँ ही नहीं। तो हमने कहा कौन हो, बोला पाकिस्तानी। तो हम कहा यहाँ का है भीख मांग रहे हो, तो बोला कहाँ मांगे, हम कहा अपने देश में मांगो, तो बोला वहां तो सभी मांग रहे हैं। हमारे मैंने कहा इमरान खान से मांगो, तो कहें गौर से देखो मैं वही हूँ। हाँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़, इसकी कविताएं लिखने की जरूरत नहीं, चूंकि मैं दूसरे नंबर पे हूँ, तीसरे नंबर पे पढ़ रहा हूँ, और बार बार कुछ कवि कह रहे हैं, ये हमसे कई कवि कह रहे हैं पानी मंगाओ पानी मंगाओ, उनका पितृपक्ष खालीपन ही दिया जाता है, पानी वानी न मांगो। और नवरात्र का श्री गणेश भी होने वाला है, जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता था तो माँ को प्रणाम करके चलता था, अब तो कल से माँ के नौ नौ रूप देखने को मिलेंगे, तो माँ को जब प्रणाम करके चलता था तो कार्यक्रम सफल हो जाता था। अब माँ नहीं है लेकिन परंपरा चल रही है, पहले अपनी माँ को प्रणाम करता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके चल रहा हूँ, हाँ कार्यक्रम सफल हो जाता था। हाँ हम घर में ही माँ के रूप देख लेते, जब पत्नी भोजन परोसती है तो अन्नपूर्णा हो जाती, वही जब बचत करती है तो लक्ष्मी माँ हो जाती, बच्चों को शिक्षा प्रदान करती तो सरस्वती हो जाती, लेकिन अगर प्रेमिका के साथ देख ले तो रणचंडी भी हो जाती। हाँ इसमें कोई दो राय नहीं, अब देखो हमारे मंच पे दो दो मातृशक्ति बैठी हुई, हाँ आभा जी के बगल में अखिलेश द्विवेदी, ऐसे लग रहे जैसे केरल के बगल में काठमांडू बैठा हो। हाँ एक बार जोरदार तालियां हो जाए, नहीं नहीं तालियां थोड़ा सा घनत्व बढ़ाइए, हल्के न लो, नरकंकाल पहली बार आया तो इसका क्या मतलब, इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूं। तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ, और जो कि हमारी योगी सरकार भी बहुत कुछ अच्छे काम कर रही है, यहाँ आया तो एक आदमी लोटा लेके शौच को जा रहा था, हमने डांटा, हम कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनवाए तुम ससुरदास बाहर जा रहे हो, उसने कहा अपना काम करो हम विपक्ष में। तो हम कहा यार ये कौन सा विपक्ष है, अभी आया तो नीरज पांडे ने हमसे 500 के छुट्टा मांगे, हमने दिया जो हमारे पास था गिन के, इसने गिना कहा गुरु 130 है, 370 कहा, हम कहा वो खत्म है ना मांगो। तो जहाँ अच्छे काम हो रहे, हमारे योगी जी ने कई शहरों के नाम बदल दिए, योगी जी ने जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, उन्होंने फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया, हम कहा गुरु जब इतने नाम बदल रहे हो तो बापू आसाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो, कहा हाँ पूनम मिश्रा का नाम निमकी मुखिया रखो, भाई नाम ने क्या रखा। हाँ अगर अगर अनिल चौबे जी का नाम राम भरोसे रख दो तो क्या इनका काम वैसे रहेगा, नाम में नहीं काम में भरोसा करो। तो मैं पढ़ता हूँ, एक दिन हमारी पत्नी अभी जब हमारे यहाँ हिंदुओं के यहाँ बहुत त्योहार होते तो वो हमको एक गिलास में गरम गरम दूध लेके आई, हमने कहा 20 साल शादी के हो गए आज तक एक गिलास पानी नहीं दिया और आज दूध काहे लाई, कहीं पी लो आज नाग पंचमी। तो मैं प्रणाम करता, हाथ से तो कहीं से निकल सकता। एक दिन मैं पत्नी के साथ जा रहा था, रास्ते में गधा मिला, पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े, हम कहा ससुर जी प्रणाम, लेकिन आप लोग न कहिएगा नहीं सीधे आर्थोपेडिक में मिलोगे। तो एक खिता वहीं से शुरू करता हूँ,
पसंद आई तो ठीक, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कवि हैं, अब हमसे खाली दुई कौड़ी की कविता सुनो। हाँ मिर्जा फिर में पहली बार आ, प्यार मोहब्बत की भी बात करूंगा। प्यार का एक बहुत लाडला कवि भाई गजेंद्र प्रियांशु बैठा हुआ है, हम भी करेंगे लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे, पहले कविता सुन लो। एक दिन सब पत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से ही टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया, बहन जी कहाँ चोट लगी हमदर्दी जताया, और मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था, मैंने कहा रे नालायको बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे इनको कब उठाओगे। हाँ तो ये मानसिकता बदल गई लोगों को। अच्छा हमको क्या, हमको पुरुष क्या महिलाएं तक हमसे नहीं डरती। एक दिन मेरा पड़ोसन से हो गया झगड़ा, उसने दे डाला अल्टीमेटम तगड़ा, मेरी खोपड़ी गई हिल, जब उसने कहा हिम्मत है तो अकेले में मिल, तब से मुझे आ रहे चक्कर पे चक्कर, हमने कहा ये धमकी दिया कि ऑफर, ही ना करो तालियां बजाओ, यहाँ तालियां बजती, बहुत हल्के में ले रहे हो क्या, बाड़ी ने देखो भावनाओं की समझो। प्यार मोहब्बत की बातें हो रही लेकिन हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती हम प्यार पर कुछ लिखें। अच्छा चेसिस कोई पेचिस के कारण थोड़े, एक बार चौबे जी को पेचिस पड़ रही थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयां दी, इन्होंने कहा फायदा होगा, डॉक्टर ने कहा फायदा होगा लेकिन परहेज करो, तो इन्होंने कहा क्या परहेज करें, तो डॉक्टर ने कहा जोर से शंख न बजाना, समझ रहे हो, तो तालियां बजाओ। तो प्यार के लिए चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, प्यार के लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी है, तो एक दिन प्रेमिका ने हमसे कहा कि तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, हम कहा तुम अगर हमारे लिए मर जाओगी तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के आत्महत्या कर लेंगे, तो उसने कहा तुम काहे मर जाओगे, हम कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक। हाँ ही न करो तालियां बजाओ, तो चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशू की शादी हो गई दो दिन लेट हो गए, और वो अच्छा ये भी प्रेमिका पीड़ित बैठे हुए, आप समझ में आया कि मोहब्बत में इस कदर मटिया मेट हो गए। एक शायर इसी तरह पढ़ रहे थे, जैसे हमारे यहाँ शैलेंद्र बैठे हुए हैं, इसी तरह गजल पढ़ रहे थे, अभी कार्यक्रम में था भदोही में मुशायरा हो रहा था, एक शायर बार बार कह रहे थे शेर सुनो शेर सुनो शेर सुनो, हम दमदार शेर लिखते, हम कहा खाक दमदार शेर लिखते हो, तुम्हारे शेर से तच्चे हमारे रायबरेली के कुकुर हो। एक पढ़ रहे थे कि ये दौलत भी ले लो, दौलत माने प्रॉपर्टी, फिर बोले शोहरत भी ले लो, शोहरत माने प्रसिद्धि। एक श्रोता खड़ा हुआ बोला गजल पढ़ रहे हो मदरसा चला रहा हूँ, ये दौलत भी ले लो शोहरत भी ले लो, श्रोता बोला इसकी औरत भी ले लो। तो चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ प्यार के नाम पे कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, मासूक की शादी हो गई दो दिन लेट हो गए, और वो आज भी लग रहे ताजमहल एक हम है कि पिचके हुए टूथपेस्ट हो गए। युवा साथियों के लिए कहता हूँ कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए, लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए, आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए, आजकल एज घटाने के लिए। एक पत्रकार ने हमसे पूछा तुम काहे डाई लगायो, हम कहा हम गांधी जी के भक्त, और गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई, तो डू नहीं कर सकते तो डाई तो कर ही सकते, और डाई तब तक करेंगे जब तक डाई न हो जाए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए, और दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए, प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। अगर आदेश हो तो एक छोटी सी कविता और पढ़ो। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। नहीं कहो तो बैठ बैठ। नहीं नहीं आप तो पूरा नहीं, सारी व्यवस्था तो हमारे जायसवाल जी और जो हमारे वर्मा जी ने किया, लेकिन एक व्यवस्था गड़बड़, इतने कीड़े हैं कि हम लोगों की जिंदगी में कीड़े पड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं मरने के बाद पड़े तो कोई बात, यहाँ पड़ते हैं, यहाँ यहाँ कीड़े पड़ते हैं, चिंता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आज चूंकि बेटी एक मिनट कंकाल जी निश्चिंत होकर के खूब आराम से मन से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए,
इनका क्या है, ये अगले साल भी आ जाएंगे। अच्छा, आपका कोई भरोसा नहीं है कि आपका क्या मतलब ये नरकंकाल रहे या ना रहे, तो इसलिए आप चिंता न कीजिए, आपको ये अंतिम ही मान के बुलाए हैं, इसलिए कीड़े डाले जा रहे हैं, कुछ कीड़े प्लास्टिक के भी हैं कि आपका नरकंकाल तो गल जाएगा, लेकिन मिर्जापुर के द्वारा डाले गए ये कीड़े ये कभी नहीं गल पाएंगे। तालियां बजाइए नरकंकाल जी के लिए, आप खूब मन से सुनाइए, कवि सम्मेलन अपने परवान पर चढ़ रहा है। कंकाल तो मतलब कीड़े कंकाल का क्या बिगाड़ेंगे, और कंकाल तो ऐसे कंकाल हो चुका है, और हम ये वादा करते हैं कि जब तक हम जीवाश्म न हो जाएं तब तक हम कविता पढ़ते हैं। ऐसा थोड़े है, हमको हल्के बिल्कुल न लो, इन कवियों को सुन सुन करके हम बहुत, अब जैसे हमारे जो कार्यक्रम करवा रहे हैं कोई मामूली आदमी है क्या, जिन्होंने अपने इनके भाई की स्मृति में कार्यक्रम कराया, बहुत अच्छा खाना वाना खिला के गए, बहुत अच्छी व्यवस्था करते, ये बंदा बहुत अच्छा, मतलब दिल का भी साफ दिमागों का साफ, तालियां हो जाए, दिमाग का साफ का मतलब दिमाग में कोई गंदगी नहीं है, तालियां हो जाए। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, चूंकि हंसाने के लिए बहुत कवि बैठे हुए, अखिलेश जी हैं, अनिल चौबे जी खुद ही हैं, और लेकिन चूंकि बेटी दिवस इसलिए एक कविता मैं पढ़ता हूँ। भाई मंच वाले कभी भी तालियां बजा दे, ये तो ऐसे लग रहे जैसे नरेगा के मजदूर बैठे, मतलब तालियां बजनी चाहिए। हाँ, चूंकि भाई संचालक जी आपके चरणों में कविता रखता हूँ, क्योंकि आप बनारस से बिलोंग करते हैं और वो काशी जो है विद्वानों की नगरी कही गई है, तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ। और मिर्जापुर में चूंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा पहली बार आपके बीच में आया हूँ, और चूंकि बेटी दिवस है इसलिए इस कविता को पढ़ना मैं अपना कवि कर्म समझता हूँ। और बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी और जो भी नारे लगाए जा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक, लेकिन उससे पहले बेटों को बचाओ, बेटों को बुरी संगत से बचाओ, बेटों को कुसंगत से बचाओ, बेटों को नशे से बचाओ, अगर बेटे बच जाएंगे तो बेटियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। ये जो हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता का जो एक अनुकरण हो रहा, जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा, मैं तो कहता हूँ कि जब जब सूरज भी पश्चिम में आके डूब जाता है, तो जो देश पश्चिमी सभ्यता को पाएगा तो एक दिन उसका पतन होना निश्चित है। हमारे देश में जब दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती, जब निर्भया कांड होता है, तब एक कविता मैंने लिखी थी, आपके अदालत में पढ़ना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद लेके अपना स्थान लेना चाहता हूँ। महाभारत से चार पात्र उठाता हूँ और वो कविता आपके बीच में पढ़ता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ, धृतराष्ट्र ने कहा संजय, धृतराष्ट्र और संजय का जो संवाद है वो सुनेगा, धृतराष्ट्र ने कहा संजय आज के क्या समाचार है, संजय बोला महाराज कुछ मत पूछिए हम बेबस है लाचार है, धृतराष्ट्र ने कहा संजय डरो नहीं साफ साफ कहो जो देख रहे हो वो कहो भावनाओं में मत रहो, संजय बोला महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है, आपके दरबार में द्रौपदी चीर हरण हुआ था पर आए दिन गैंग रेप हो रहा है, मानवता मरणासन्न है धर्म की थम रही है सांसे, महाराज मैं याद भी देख रहा हूँ पेट से लटकती हुई लाशें। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, ये सुनकर गांधारी रोने लगी, आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी, बोली काश यदि मैं पहले जान जाती कदापि अपनी छाती का दूध कौरों को नहीं पिलाती। धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ ये गैंग रेप क्या इसे संस्कृत में समझाओ, संजय बोला महाराज ये शब्द संस्कृत में आ नहीं सकता और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता, इसलिए जाओ किसी धर्म गुरु को बुलाओ, धर्म गुरु आए चेहरे पर विषाद के बादल छाए, धृतराष्ट्र ने पूछा कौन हो क्या है तुम्हारा नाम, धर्म गुरु बोले बापू आशाराम, महाराज देश और वंश को बाद में बचाइए पहले मुझे जेल से छुड़वाइए। और अंतिम पंक्तियां संप्रेषित करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। संजय ने कहा महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रोएगी, और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेगी ये समस्या ये बीमारी देश का पिंड नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
ये थे नरकंकाल जी असाते।